हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और हम जैसा कि बात कर रहे हैं इस सीरीज में एग्जाम वॉरियर्स, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने एक किताब लिखी है स्टूडेंट्स के लिए, उनको कुछ मंत्र दिए हैं, उन्हीं मंत्र को हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर 7 मंत्र मैं अब तक एपिसोड में दे चुका हूँ और इस एपिसोड में मैं आपको 8वां मंत्र बता रहा हूँ। और वो मंत्र है कि वर्तमान में जीना, यानी कि वर्तमान, क्योंकि ईश्वर का अनुपम उपहार है, प्रेजेंट है गॉड का, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि हम या तो ना अपने भूतकाल के बारे में, जो घटनाएं हो गई उनके बारे में सोचते रहते हैं, या हम भविष्य की योजनाएं बनाते रहते हैं या उसके बारे में चिंतित रहते हैं। इस बीच हम ये भूल जाते हैं कि वर्तमान में अभी हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है आसपास। हम इसी उधेड़बुन में लगे रहते हैं, या तो पास्ट की बातें या फ्यूचर की बातें, और हम सब लोग इस प्रेजेंट से वंचित रह जाते हैं। जबकि सभी आध्यात्मिक गुरु भी यही कहते हैं कि प्रेजेंट ही आपका जीवन है, जो आपका आज और अभी है यही आपका जीवन है, इसके अलावा कुछ नहीं। श्री कृष्ण ने गीता में भी यही कहा है कि अभी जो जीवन है, अभी ये क्षण ही आपके पास है, इसके अलावा आपके पास में कुछ नहीं है और यही आपका सच्चा जीवन है। मोदी जी ने भी अपनी किताब में, अपने इस मंत्र में उसी बात का जिक्र किया है और एक एग्जाम्पल भी दिया है कि जब आप खेल के मैदान में होते हैं तो आप उस समय अपनी पढ़ाई का टेंशन कर रहे होते हैं, और जब आप पढ़ाई के टेबल पर होते हैं तब आप अपने खेल में क्या हुआ था उस चीजों को याद करते रहते हैं। इन दोनों स्थितियों में आपका नुकसान ये होता है कि, जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया, कि आपका टाइम भी वेस्ट होता है, दूसरे आप कोई भी काम को, ना तो आप खेल को ठीक से खेल पाए यहाँ पर, ना तो पढ़ाई को ठीक से कर पाए, दोनों ही काम में आप असफल हो जाते हैं। तो बेहतर है कि जब आप खेल के मैदान में हो तो पूरा ध्यान आपका खेल के मैदान में रहे, और जब पढ़ाई कर रहे हो तो पूरा ध्यान आपका पढ़ाई में रहे। मोदी जी ने अपने बारे में बताया है कि वो जब भी जहाँ होते हैं वो अपना पूरा ध्यान वहीं रखते हैं, क्योंकि उनके पास तो हजारों काम है। अगर वो हर समय अपने आगे या पीछे के कामों के बारे में सोचते रहेंगे तो वो देश के लिए इतना सारा काम कैसे करेंगे। इसलिए वो अपने बारे में बताते हैं कि वो जिस वक्त जहाँ होते हैं अपना दिमाग वहीं रखते हैं और उस काम में डूब जाते हैं। इससे वो काम उनके लिए आसान भी हो जाता है और उनकी कार्य क्षमता भी, आप देखते हैं कि कई यंग लोगों से भी उनकी कार्य क्षमता बहुत ज्यादा है। उसका कारण यह है कि वो वर्तमान में जीते हैं, तुरंत फैसले लेते हैं और हमेशा अपने आप को आगे पीछे की घटनाओं के बारे में सोचने से बचाए रखते हैं। इसके बारे में उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल सचिन तेंदुलकर का दिया है कि सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि जब आपकी तरफ कोई बॉल फेंकी जाती है उस समय क्या आप पिछली बॉल जो कि आप खेल चुके हैं उसके बारे में सोच सकते हैं, या जो अगली बॉल आपके सामने फेंकी जाएगी उसके बारे में सोच सकते हैं। अगर आप इन दोनों में से किसी भी बॉल के बारे में सोच रहे हैं तो क्या आप जो वर्तमान में बॉल आपके सामने फेंकी जा रही है उसे खेल पाएंगे? कभी नहीं खेल पाएंगे। इसलिए अगर आपको वर्तमान में फेंकी जाने वाली बॉल को बहुत अच्छे से खेलना है तो आपको केवल अभी और इसी वक्त फेंके जाने वाली बॉल के बारे में ही सोचना चाहिए। हर समय अपना ध्यान वर्तमान में रखें। तो उसके लिए मोदी जी ने यहाँ पर एक छोटी सी टिप भी दी है कि जब भी आपका बहुत ज्यादा ध्यान इधर उधर भटकने लगे तो आप एक जगह शांति से बैठ जाएं और एक लंबी गहरी सांस लें, और साथ ही आप वर्तमान में आपके दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं उन पर ध्यान लगाइए। इतना आप जैसे ही करते हैं आपकी अलर्टनेस या आपकी सजगता एकदम वर्तमान में आ जाती है और आप पूरी तरह से वर्तमान में आ जाते हैं, और वर्तमान में आते ही अपने काम में लग जाइए। और इसी के साथ मैं इस एपिसोड को यहाँ खत्म कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में मिलेंगे और इस एग्जाम वॉरियर्स बुक के और मंत्रों के बारे में भी जिक्र करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।